नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन लाइव न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं कर्नाटक को लेकर। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन के बाद से जिस तरीके से वहां पर इनके गठबंधन में दरार की स्थिति देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी भी इस गठबंधन से खुश नहीं है। जब ये गठबंधन हुआ था उसके बाद से कुमार स्वामी काफ़ी परेशान नज़र आते थे और इस गठबंधन से कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे। और हालांकि वो गठबंधन को लेकर ये भी कह चुके हैं कि वो सही ढंग से पार्टी में रहकर काम नहीं कर पा रहे। और बड़ी खबर जो है उनसे जुड़ी ये भी आई है कि उन्होंने कहा कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश चल रही है लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की तरफ देखिए रुख कर लेते हैं। बीते शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने जी हाँ कहा कि उनकी इच्छा फिर से सीएम बनने की। वहीं शनिवार को कर्नाटक के वर्तमान सीएम एचडी कुमार स्वामी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनकी सरकार गिराने के लिए साजिश की जा रही। देखिए यहाँ पर अब सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरीके से घमासान देखने को मिल रहा है वह बहुत बड़ी बात है। एक तरफ ये देखने को मिला है कि कर्नाटक के जो पूर्व सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने कहा था कि वो जो है सीएम बनना चाहते हैं, उनकी इच्छा दोबारा हो रही है कि सीएम बनने की। तो उनका बयान सुनने के बाद जिस तरीके से अब पूर्व, अगर हम बात करते हैं अब वर्तमान के जो सीएम है कुमार स्वामी, वो उस बात से कहीं ना कहीं डर गए हैं और उन्होंने इस तरह की खबर फैला दी है कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। तो देखिए कुर्सी का खेल जिस तरीके से देखने को मिला और दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर ये देखने को मिला कि कुमार स्वामी नहीं चाहते हैं कि उनके हाथ से सत्ता जाए और दूसरी तरफ सिद्धारमैया जो है उनके हाथ से सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीएम की कुर्सी को लेकर जिस तरीके से बवाल मच गया ये वाकई में दर्शाता है कि इनकी इस लड़ाई में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है और बीजेपी बड़ा लाभ उठा सकती है। देखिए आपको मैं सिद्धारमैया की बात बताता हूँ। सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार को गिराए जाने के लिए की जाने वाली साजिशों के बारे में उन्हें पता है लेकिन फिर भी वो अपनी सीट बचाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि अपने अच्छे काम करते रहेंगे। सिद्धारमैया ने यह कहकर कयासों का बाजार फिर से गर्म कर दिया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल वो चाहते हैं। सिद्धारमैया के इस बयान के बाद कुमार स्वामी को कुर्सी से उतरने की साजिश के कयास तेज हो गए, यानी कि कुमार स्वामी की कुर्सी अब खतरे में है। और ये देखने को मिल रहा है कि अगर सिद्धारमैया जो रणनीति बना रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो कुमार स्वामी को वो कुर्सी से उतार सकते हैं, यानी कि कुमार स्वामी को जो है बड़ा झटका लग सकता है और कुमार स्वामी जो है सीएम पद जो है खाली कर सकते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से माहौल काफ़ी गर्मा गया है और सिद्धारमैया का जिस तरीके से बयान आया उससे तो कुमार स्वामी की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हम अब सिद्धारमैया जो है कुमार स्वामी से अपना या हक छीन सकते हैं और सिद्धारमैया को कुर्सी, सिद्धारमैया जो है वो कुमार स्वामी को कुर्सी से नीचे उतार सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों सिद्धारमैया ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा उनके कहने का मतलब सिर्फ ये था कि वह सीएम तभी बनेंगे जब अगले चुनाव में जनता उन्हें आशीर्वाद देंगी और ये 5 साल के बाद ही होगा। देखिए जिस तरीके से माहौल काफ़ी गर्मा गया उसके बाद सिद्धारमैया ने अपनी सफाई तो दे दी लेकिन जिस तरीके से बात उन्होंने कही थी और जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे इससे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि कुमार स्वामी को कुर्सी से नीचे उतारने की प्लानिंग या नीचे गिराने की प्लानिंग कहीं ना कहीं सिद्धारमैया कर रहे हैं। अगर सिद्धारमैया कुमार स्वामी को नीचे उतार देते हैं या गद्दी से नीचे गिरा देते हैं तो इसमें सिद्धारमैया का बड़ा फायदा हो सकता है। और ये देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पर देखने को मिला, हमने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन को लेकर जिस तरीके से कुमार स्वामी पहले से नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में देखिए अगर ये देखने को मिलता है कि ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं अगर गठबंधन टूट जाता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर जो सिद्धारमैया है कांग्रेस के नेता वो जो रणनीति बना रहे हैं उसमें वो सफल हो जाते हैं तो
कहीं ना कहीं कुमार स्वामी को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। खैर देखते हैं क्या होगा। कुमार स्वामी ने सिद्धारमैया का नाम लिए बगैर कहा कि मीडिया में उन्हें पता चला है कि कोई सीएम बनने के लिए तैयार है और बीजेपी ये भविष्यवाणी कर रही है कि 3 सितंबर को नया सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। जल्दी वो ऑफिस में 100 दिन पूरे करेंगे और अच्छा शासन देना जरूरी रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर बीजेपी की जिस तरीके से बात नजर आई है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पता चला कि बीजेपी ये भविष्यवाणी कर रही है कि 3 सितंबर को नया सीएम शपथ ग्रहण करेगा यहाँ पर, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी काफी डर गए हैं और उन्हें बीजेपी से अब खतरा मंडराने लगा है। यानी कि देखिए शायद हो सकता है कि अंदर खाने में कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही हो, और ये भी देखने को मिल सकता है कि शायद कुमार स्वामी को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है या कुमार स्वामी को नीचे उतारा जा सकता है। देखते हैं क्या होता है और क्या वाकई में 3 सितंबर को ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।